हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल एंड यू आर वाचिंग रेसलर्स। तो भाई, एक्सट्रीम रूल्स के लिए ब्राउलिंग ब्रूट्स वर्सेस द इंपीरियम का सिक्स मैन टेक टीम मैच कंफर्म हो चुका है, जो कि गुड ओल्ड फैशन्ड डोनीब्रुक मैच होगा। और जैसे ही दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्विटर पर इस मैच को अनाउंस करा, तब सेमस ने रिप्लाई करके लिखा है, फॉल्स एडवर्टाइजिंग, October 7th वॉरचेस्टर मास दैट आईसी स्ट्रेप विल बी ऑन अदर फेला, फिक्स इट। और यहां पर सेमस ने एक्सट्रीम रूल से पहले स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर एपिसोड में होने वाले आईसी टाइटल मैच को प्रेडिक्ट किया है कि देखो भाई, एक्सट्रीम रूल से पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में आईसी टाइटल मैच होगा, जिसमें सेमस गंथर को हराकर आईसी टाइटल को जीतने वाले हैं। तो जो एक्सट्रीम रूल्स के मैच कार्ड में गंथर के शोल्डर पर जो चैंपियनशिप है, उसे सेमस के शोल्डर पर कर दो। तो अब दोस्तों सेमस ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, बाकी आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि आप लोग ऐसा देखना चाहते हो कि सेमस गंथर को बीट करके आईसी टाइटल को अपने नाम कर ले। अगर इस चीज में आप लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बात करें अगली अपडेट पर, जो कि जुड़ी है वाइट रैबिट से। तो देखो दोस्तों, काफी टाइम से मंडे नाइट रो, स्मैकडाउन एंड इवन लाइव इवेंट्स में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वाइट रैबिट को टीज किया है। इसी के साथ कुछ बारकोड्स एंड कुछ नंबर्स हमें देखने को मिले हैं, जिसके बाद रूमर्स हैं कि वाइट रैबिट के पीछे फीड ब्रे वाइट हो सकते हैं, लेकिन किसी तरह की कंफर्म अपडेट नहीं है कि वाइट रैबिट के पीछे द फीड ब्रे वाइट है या नहीं। लेकिन दोस्तों फाइटफुल सेलेक्ट ने रिपोर्ट दी है कि जिस तरह फैंस को नहीं पता कि वाइट रैबिट का असल सच क्या है, उसी तरह WWE के बैक स्टेज में लगभग स्टाफ को नहीं पता कि एक्चुअल में वाइट रैबिट के पीछे कौन है। और इसी वजह से किसी तरह की कोई कंफर्म अपडेट वाइट रैबिट को लेकर नहीं आई है। WWE वाइट रैबिट को एक सीक्रेट रखना चाहती है, और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वाइट रैबिट की फाइनल डेस्टिनेशन एक्सट्रीम रूल्स इवेंट होगा, जहां पर वाइट रैबिट का असल सच पता चलेगा। तो बस हमें थोड़ा वेट करना होगा, एंड आई होप कि इस वाइट रैबिट के पीछे द फीड ब्रे वाइट हो, क्योंकि ब्रे वाइट के रिटर्न को लेकर काफी ज्यादा क्रेजी बन चुके हैं फैंस। और अगर वाइट रैबिट के सीक्रेट के पीछे कोई और सुपरस्टार होता है तो फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं। तो बस ये वाइट रैबिट के रिगार्डिंग कुछ खास अपडेट थी, तो मैंने आपको बता दी। बात करें अगली अपडेट पर, जो कि थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में साशा बैंक्स ने ट्विटर हैंडल पर अपने नेम को चेंज करके फिर से अपना रियल नेम कर दिया, मर्सिडीज वार्नेडो, जिसके बाद अपडेट्स थी कि साशा बैंक्स WWE में अपना रिटर्न नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों अभी की रिपोर्ट का मानना है कि जो कुछ भी साशा बैंक्स एंड नियोमी के रिटर्न को लेकर ऑनलाइन ऑनगोइंग है, चल रहा है, वो सब लीड करता है साशा बैंक्स एंड नियोमी के रिटर्न को, और बहुत जल्द साशा बैंक्स एंड नियोमी अपना रिटर्न WWE में करने वाली है। बस ट्रिपल एच फाइनल डेस्टिनेशन का वेट कर रहे हैं, और दोस्तों बहुत जल्द साशा बैंक्स एंड नियोमी फिर से WWE में अपना रिटर्न कर लेगी। इसी के साथ जजमेंट डे के लीडर फिन बेलर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि WWE के पास फिन बेलर को लेकर बहुत बड़ा प्लान है। और एग्जैक्टली नहीं पता कि WWE के पास फिन बेलर को लेकर क्या बड़ा प्लान है, लेकिन दोस्तों इन फ्यूचर फिन बेलर किसी लीडरशिप को लीड करेंगे, तो अब देखना होगा WWE फिन बेलर को किस तरह का पुश देती है। और फाइनली बात करते हैं कल होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, जिसके लिए कुछ मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। सबसे पहले सेमी जेन एंड सोलो सिकोवा वर्सेस रिकेसे एंड मेडकेफ मूस का टेक टीम मैच कंफर्म हो चुका है। अगला मैच लोस लुथोरियोस वर्सेस हिट रो का टेक टीम मैच कंफर्म हो चुका है, एंड सोल्टी जी वर्सेस बेली का 1-on-1 मैच कल के स्मैकडाउन के लिए कंफर्म हो चुका है। तो फिलहाल यही सब स्मैकडाउन के लिए कंफर्म हुआ है, बाकी कुछ कंफर्म होता है तो शाम वाली वीडियो में आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। तो बस ये थी अपडेट की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना एंड कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।